नमस्कार, गोड्डा झारखंड समेत पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। झारखंड में शुरू होगी वाहनों की जांच, बाकी कागजात रखने होगा अपडेट। वहीं झारखंड से अगली बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। लातेहार में 3 दिन की आर्थिक नाकेबंदी से रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान, हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे टाना भगत। झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, ऑनलाइन मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। बिहार से अगली बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। राजधानी पटना में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, एक की मौत। बीएसएनएल कंपनियों की ओर से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। बीएसएनएल की हालत खराब, खर्च में कटौती के लिए 20,000 लोगों को नौकरी से हटाने की तैयारी। बिजली बिल भरने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक अब डाकघर में होगा हर काम, जानिए इस योजना के बारे में। झारखंड में 15 सितंबर से शुरू होगी क्रिकेट, हर खिलाड़ी का होगा कोरोना टेस्ट, मैच के दौरान नहीं कर पाएंगे ये काम। अब समाचार विस्तार से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी झारखंड समेत देश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अपने अंगुली से टच करें। टच करते ही आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे। और अगर रोजाना समाचार सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बटन को जरूर दबाएं। दबाते ही सबसे पहले गोड्डा झार न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। झारखंड में बने सभी ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस की वैधता झारखंड सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, लेकिन इसे छोड़कर वाहन से संबंधित अन्य किसी कागजात पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी। वाहन चालकों को प्रदूषण बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस और परमिट आदि की कागजात अब अपडेट रखने होंगे। अब वाहनों के कागजात की जाँच होगी, कागजात अपने अपडेट नहीं मिलने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि 1 फरवरी 2020 के बाद जिनके ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, उनकी वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। झारखंड के लातेहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन और जंगलों पर अपने अधिकारों की मांग के साथ 3 दिन तक टोरी जंक्शन पर रेल चक्का जाम करने के बाद विशेष आदिवासी समूह के लोग टाना भगत की आर्थिक नाकेबंदी समाप्त हो गई। 3 दिन में रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार देर रात से सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इन लोगों की शनिवार को बैठक होगी। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 की धारा और 145 की दफा 81 ए तहत टाना भगत समुदाय को मिलने वाले हक को लेकर बुधवार शाम 5:15 बजे से रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे। इन तीनों शिक्षकों को आज अपने अपने जिला मुख्यालयों में उपायुक्त ने राष्ट्रपति की ओर से सिल्वर मेडल, प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू रहने के बाद भी प्रदेश में शराब तस्कर सक्रिय हैं। रोजाना शराब सप्लाई की गतिविधियां धड़ल्ले से सामने आती रही हैं। वहीं इसमें लिप्त कई अपराधी रोजाना पकड़ में आ जाते हैं। इसी क्रम में पटना पुलिस का शनिवार को शराब तस्करों से आमना सामना हुआ, जो मुठभेड़ की हालत तक जा पहुंचा। गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के 1 नंबर रोड में एनकाउंटर में पुलिस ने एक शराब माफिया को मार गिराया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस शराब माफिया के यहां छापेमारी के लिए गई थी, मगर शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस को पीटना शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक शराब माफिया की मौत हो गई। घटनास्थल पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने अपनी सभी इकाइयों को ठेका कार्यों पर खर्चों में कटौती करने का निर्देश दे दिया है। इससे ठेकेदारों के जरिए कंपनी के लिए काम कर रहे 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। BSNL की कर्मचारी यूनियन ने यह दावा किया। यूनियन ने यह दावा भी किया है कि कंपनी के 30,000 ठेका श्रमिकों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। साथ ही ऐसे श्रमिकों के पिछले 1 साल से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना काल में लोगों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय डाकघर ने 73 सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है। इन सेवाओं के तहत अब वो हर काम डाकघर में ही हो जाएगा, जिसके लिए दूसरे दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि डाकघर में शुरू होने वाली इन सुविधाओं में बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट अप्लाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा जैसी महत्वपूर्ण काम होंगे।
डाक पोस्ट पर दिए गए जानकारी के मुताबिक देश भर में केंद्र सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। इन सेंटरों पर लोगों की सुविधा से जुड़े 73 कामों को किया जाएगा। बता दें कि इन सेंटरों पर कई महत्वपूर्ण काम होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेंटर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, मोबाइल और डीटीएस रिचार्ज, फास्टैग, बिजली पानी, टेलीफोन, गैस के लिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही है। ऐसे में खेल गतिविधियां भी जल्दी से ही शुरू हो जाएगी। झारखंड में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां चल रही है। जल्दी ही रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े मापदंड तय किए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड में मैच खेलने वाले हर खिलाड़ी का कोरोना वायरस टेस्ट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मैच के दौरान लार व पसीने से गेंद को चमकाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कोई भी खिलाड़ी थूक से गेंद को नहीं चमका पाएगा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।